तो ये आप देख रहे हो पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र, वहां आ गए हम। तो पुष्पधन सागर महाराज जी द्वारा बसाई गई है, पुष्पगिरी क्षेत्र है ये, पूरा क्षेत्र है ये सारा आप देख रहे हो। दोस्तों पुष्पगिरी में अपना भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आइए चलते हैं भोजनशाला की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज है यहाँ पर खाने के लिए। आइए। शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है सारे जैन तीर्थों पे, जहाँ जहाँ भोजनशाला अवेलेबल है ऑलमोस्ट सब जगह अवेलेबल है, बट शुद्ध सात्विक ही मिलेगा आपको। सिर्फ छुट्टी वाले दिन जैसे संडे हुआ या कोई मेला हुआ या कोई ओकेशन हुआ तो आपको पूड़ी वगैरह मिलेगी, आलू नहीं मिलता हमारे यहाँ, ये ध्यान रखना, आलू गोभी वगैरह जमीकंद वगैरह नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर डे 300 से 400 लोगों का भोजन होता है। एक ये भी देखो, तो ये भोजनशाला है, ये क्या है? दोस्तों दाल है, तुवर की दाल, तुवर दाल, ये लोभिया कह सकते हो या आप लोग क्या बोलते हो, चौला फल्ली, वैसे दिल्ली में इसको लोभिया बोला जाता है, रमास, भिंडी की सब्जी, ये भिंडी की सब्जी, मिर्ची अचार और रोटी और पापड़, चावल और चावल भी है, चावल दो सब्जी दाल पापड़ अचार जी। दोस्तों दो सब्जी दाल अचार पापड़ और रोटी चावल सब चीज़ होती है इसमें, एक थाली चार्ज 75 रुपीज़ पर थाली का है इसका रेट, पेट भर के खाओ, कोई इसमें ये नहीं कि आपको दो रोटी लेनी है या पांच रोटी लेनी है, एक बस ये कोशिश करें थाली में झूठन ना छोड़े, वो एक कहावत है ना उतना ही ले थाली में बैठ ना जाए नाली में, तो वो सही कहावत है, तो कोशिश करें कि झूठन ना छोड़े। आइए हम लोग भी थोड़ा सा लेते हैं नाश्ता खाना। दोस्तों ये कार्यालय है, यहाँ पे आपको धर्मशाला के जो रूम है, रूम के जो यहाँ पे मिलेगा आपको रूम, और रसीद दान रसीद वगैरह आप यहाँ पे कटवा सकते हो, और भोजनशाला जो है भोजनशाला उसके कूपन्स वगैरह भी यहीं से मिलेंगे। दोस्तों गाड़ी ऊपर तक जाती है, ये बच्चों के खेलने के लिए है, ये आसाम हाउस है, दिल्ली हाउस, गुजरात हाउस, और ये वाला कौन सा बताया जी, ये गुजरात हाउस हो गया, नहीं इससे आगे वाला,
एम पी हाउस है, उसके सामने तो दिख रहा है वो समाधि स्थल क्षेत्र हो गया, उधर सामने जो है वो समाधि स्थल, वहाँ पे अभी लेके चलेंगे आपको। हाँ, पूरा समाधि, ये पांडुशिला हो गया पूरा। हाँ हाँ, तो ये अब गाड़ी कहाँ तक जा सकती है? वहाँ गाड़ी सेंटर तक जा सकती है, मंदिर के, मंदिर के वहाँ तक, वहीं तक चल जाएगी दोस्तों गाड़ी, वहाँ तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बन रहा है, काम चालू हो, मतलब काम चालू है, बस जैसे जैसे बन जाएगा वो एकदम बढ़िया रास्ता हो जाएगा, तो आप सीधा ऊपर जो पहाड़ का ऊपर जो चोटी पे जो पार्षद भगवान की मूर्ति बनी हुई है वहाँ तक आ सकते हो। ये प्लानिंग में है सर, प्लानिंग। और ये जो आप अलग अलग हाउसेस देख रहे हो, ये जहाँ से दाम आया है उन्हीं के हिसाब से हाउस बना दिए गए। दिल्ली से आया तो दिल्ली के, गुजरात से आया गुजरात के, आसाम से आया आसाम से, महाराष्ट्र से, मुंबई से आया तो मुंबई का, मुंबई से, इस हिसाब से जहाँ से ज़्यादा पैसा आया उसका हाउस बना दिया गया, उसकी बिल्डिंग ज़्यादा ऊँची हो गई। तो ये है सबसे ऊंचा जो वेदी है, सबसे ऊंची है ये पार्श्वनाथ भगवान की वेदी है। आइए दर्शन करते हैं आपको। गाड़ी उधर तक जा सकती है? हाँ नहीं, हाँ ना, तो क्या अच्छी वापस हो जाएगी सर, बैक हो जाएगी। हाँ कैसे होगी बैक? वहाँ आगे से उतरेंगे ना सर, टर्न में ये चार्ज जो मूर्ति बैठी ना, यहाँ से अच्छी वापस हो जा रही है। अच्छा, प्रतिमा, चौमुखी प्रतिमा कह सकते हो आप इसको, चारों तरफ महावीर भगवान की प्रतिमा है। आइए आपको इधर से परिक्रमा करवाते हैं। चारों तरफ है प्रतिमा, ऊपर आपने पार्श्वनाथ भगवान की देखी, ये चार भगवान हो गए, एक वहाँ पे हैं भगवान बाहुबली भगवान, वहाँ भी चलेंगे अभी दोस्तों। अब ये जो रास्ता है यहाँ से निकल रहे हैं हम, वहाँ से सीढ़ी से आए थे, ये गाड़ी का रास्ता है, यहाँ तक कार आती है, बाकी ये बन रहा है थोड़ा साइड से बन जाएगा ना, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होके अपना दर्शन कर सकते हैं, लाइन में गाड़ी लग जाएंगी यहाँ से, बाकी गाड़ी आप ऊपर भी खड़ी करके आ सकते हो, पैदल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये शास्त्र मंदिर है, ये शास्त्र मंदिर लिखा हुआ है, तो आप ये देख रहे हो शायद ये शास्त्र की शेप में बनाया हुआ है मंदिर जो है, और उसके आगे बाहुबली भगवान की प्रतिमा। रास्ता थोड़ा बंद है, मैं आपको यहीं से दर्शन कराता हूँ। वैसे रास्ता वो है, अभी बन रहा है ये रास्ता यहाँ से इसको जोड़ने के लिए, वैसे रास्ता वो है,
और ऊपर से भी है शायद। दर्शन है यहाँ पे जो ऊपर पहाड़ पे आपको दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 जो मैंने दिखाया आपको ऊपर प्रशांत भगवान की, नीचे वो 4 प्रतिमा जी थी और ये बाहुबली भगवान की ऊपर ऊपर, बाकी नीचे 2 मंदिर बन रहे हैं, बाकी आप नीचे देखते हैं कितने मंदिर हैं। आइए, इंदौर से 60 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा आपको पुष्पगिरी। दोस्तों देखो, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, आगे और तीर्थ के दर्शन कराएं आपको। ऑल तीर्थ के दर्शन कराऊंगा मैं, ऑल ओवर इंडिया तीर्थ के दर्शन होंगे, बस आपका साथ चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी आने वाली कोई भी वीडियो का आपको मैसेज आ जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों ये है आदिनाथ भगवान का मंदिर, आदिनाथ जिनालय भी बोल सकते हैं। ये आपको दिखाता हूँ, काफ़ी प्राचीन प्रतिमा लग रही है मुझे, अतिशयुक्त भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की प्राचीन प्रतिमा जिसने परम पूज्य मुनि 108 महाराज जी को स्वप्न में देकर लिखित रूप में अपना इतिहास बनाया। जय आदिनाथ भगवान की जय। अरे वाह दोस्तों, बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है ये, ये जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा दिखाई थी मैंने आपको पुष्पगिरी में, उससे पहले ही पड़ेगी और गाड़ी यहाँ तक आती है यहीं पे, बल्कि आपको गाड़ी यहीं लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा पैदल जाके आपको अंदर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति की तरफ जाना पड़ेगा। मैं कहूँगा थोड़ा सा इधर दिखा दें, ये वो रास्ता गया है वो सामने ऊपर, आप यही काम करते हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? लाट सिंह। हाँ, ये लाट सिंह जी हैं जो यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी। हाँ, 24 घंटे रहते हैं, हम खाना खाने जाते हैं, क्रिकेट रुकते हैं, पर सब ऑफिस नहीं जाते हैं। अच्छा, तो ये 24 घंटे यहीं रहते हैं, तो इनको भी अप्रिशिएट करें।